यस देखो विद्यार्थियों, आज हम के टॉप के पांच नियम पढ़ रहे हैं। हम नियम इसको हम बोल देते हैं दी का ठीक है। तो देखिए इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीच गणितीय योग शून्य होता देखिए। इसके अनुसार किसी परिपथ की संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसको लिख लीजिएगा, है ना। तो जो मैं इसको ऐसा भी बोल देता हूं, जो दो धाराएं संधि की ओर आती हैं, संधि की ओर आती हैं, उन्हें धनात्मक और दो जाती उन्हें धनात्मक लिया जाता ठीक है। तो जो संधि की ओर आती हैं उनको धनात्मक और जो दूर जाती हैं उन्हें ऋणात्मक लिया जाता है। इसे आवेश संधि संरक्षण का नियम कहते ठीक है। जो धाराएं संधि की ओर आती हैं उनको धनात्मक और जो दूर आते हैं उनको धनात्मक लिया जाता है। मान लीजिए ये आपके पास कोई पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिए ठीक, करंट आई वन आ रहा है, मैं भी आ रहा है मान लो ठीक है, इसमें जा रहा है आई थ्री,
भी जा रहा है I4, इसमें भी जा रहा है I5। तो आने वाली धाराओं को हम क्या बोल देते, धनात्मक। I1 प्लस I2 धनात्मक हो गया, जो धारे हैं उनको धनात्मक ले लें, तो माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0। इसको हम इतना लेकर चलते हैं, ठीक है। दूसरा, किसी किसी बंद परिपथ में सेल के एवं प्रतिरोधों के बीच के विभवांतर का कुल योग शून्य होता से ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित। अगर अपन क्या कर लें, कोई बंद परिपथ ले लें, उसमें बहुत सारे प्रतिरोध और सेल लगे हुए हैं, तो सेलों का कुल विद्युत भागफल E और दोनों के सम्मुख जो विभवांतर उत्पन्न होता है उनका योगफल शून्य के मान के बराबर होता है। ये दो नियम है, इन दो नियम की सहायता से मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हीट स्टोन वेज प्रिंसिपल को बता रहा हूँ। हीट स्टोन हेतु सिद्धांत को प्रूफ कर देगा। मान लीजिए मैंने चार प्रतिरोध ले लिए, एक ये है, एक ये है और एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। इनके बीच में मैंने धारा मापी लगा दिया। धारा मापी जो धारा को केवल डिटेक्ट करता है, यहाँ पर मैंने सेल या बैटरी लगा दी, ठीक। ये हो गया P, ये P कर देता हूँ, ये Q कर देता हूँ, ये R हो गया, ये S हो गया। अब इसमें मान लो यहां से धारा I आ रही है और यहां से आकर ये कितनी चली गई I1 और यहां से कितनी चली गई I2। अब ये हो गया A B C और D, फिर धारा क्या हो गई, यहां पर आके विभाजित हुई। तो यहां पर धारा मान लो I3 चली गई और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर से धारा जा रही है वो IG के बराबर हो गई, तो यहाँ पर
मेरे पास, मैं इसको I3 को अलग कर दे रहा हूँ, है ना। I3 की जगह मैं नॉर्मल इन दोनों का योगफल ले लेता हूँ, ठीक। तो इसमें से I1 आ रहा, IG यहाँ चला गया, तो बचे ही धारा कितनी हो जाएगी, I1 माइनस IG। अब IG इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है, तो कुल धारा यहाँ पर कितनी हो जाएगी, I2 प्लस IG। अब यहाँ पर IG कैंसिल, I1 प्लस I2 ने कैसा हो गया, I1 प्लस I2 ये कितने के बराबर हो गया, I के बराबर, ये यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है। देखिए मेरे पास अनुसार यदि 4 प्रतिरोधों बी क्यू आर एवं एस को किसी चतुर्भुज की 4 भुजाओं से दर्शाया जावे एवं एक विकर्ण में, एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में सेल या बैटरी हो एवं जब धारा मापी में धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो होती तो संतुलन की स्थिति। देखिए मैंने क्या कर दिया है, 4 प्रतिरोधों P Q R S को एक चतुर्भुज की 4 भुजाओं में दर्शाया है कि एक विकर्ण में धारा मापी और दूसरे विकर्ण में सेल और बैटरी लगी हुई है। सेल से मेरे पास करंट जा रहा है, यहाँ पर आके I1 और यहाँ से आके I2 भाग में विभाजित हो रहा है। धारा मापी से जो करंट जा रहा है उसको IG बोल दे रहा हूँ। बचा हुआ करंट I1 माइनस IG, यहाँ पर IG और I2 मिलेगा, तो मिलके I2 प्लस IG यहाँ आएगा, IG कैंसिल, पूरा करंट वापस यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें से धारा प्रवाहित नहीं होती तो ये विभव समान होता है, तो व्हीटस्टोन ने ये बताया कि ये ब्रिज संतुलन की स्थिति में हो जाता है, और जब यह संतुलन की स्थिति में होता है तो मेरे को यहाँ पर प्रूफ करना है P/Q = R/S, ये रिजल्ट आ जाता है। तो मैं इसी को यहाँ पर प्रूफ करके बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरे पास प्रूफ हो जाता है। फिर मैं यहाँ चला गया, यहाँ करंट कितना आ रहा, I2, तो इसको प्लस ले लूँ,
आई टू इंटू आर बराबर जीरो समीकरण नंबर ए। मैंने ऐसी लूपिंग करी है, ऐसी, और दूसरे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। अब देखिए इन लूप कहाँ चला गया, बी डी डी डी, करेंट यहाँ पर आ रहा है तो माइनस साइन ले लूँ। आई वन माइनस आई जी, इसके बीच का प्रतिरोध कितना है, क्यू प्लस, यहाँ आ रहा हूँ करेंट इसमें ऐसा जा रहा है, तो आई टू प्लस आई जी इंटू एस, फिर यहाँ जा रहा हूँ करेंट ऐसा जा रहा है, तो ये कैसा आ जाएगा, आई जी इंटू जी इक्वल टू जीरो समीकरण नंबर। अगर मेरे पास धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं होती तो आई डी आई जी बराबर जीरो। मैंने अभी क्या बताया, सिद्धांत के अनुसार अगर धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ब्रिज संतुलन की स्थिति में क्या लाता है, ये दोनों विभव एक सा हो जाता है। फ्रॉम वन समीकरण नंबर एक से आप हो तो देखिए क्या कंडीशन आ जाएगी, आई जी जीरो के इक्वल हो गया, तो ये जीरो हो गया, ये इस साइड चला गया, तो कितना बचेगा, थ्री इंटू आई वन, ये इधर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, ठीक। ये एक सेकेंड, यहाँ पर आई टू, यस ये सही आ रहा है, आई टू इंटू आर इक्वेशन नंबर थ्री कर लीजिए, ऐसे ही फ्रॉम टू। आप देखिए ये आई जी कैसा हो गया, जीरो, ये आई जी जीरो, ये जीरो, तो यहाँ कितना बचेगा, माइनस आई वन इंटू क्यू, ये तो जीरो हो गया, ये हो जाएगा आई टू इंटू एस, ये पूरा जीरो, जब ये इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा, क्यू इंटू आई वन इक्वल टू, ये यहाँ चला गया, आई टू इंटू एस समीकरण नंबर चार। समीकरण तीन को चार से भाग दे दो, क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, पी इंटू आई वन अपॉन क्यू इंटू आई वन बराबर आई टू इंटू आर अपॉन क्या जाएगा, आई टू इंटू एस, आई टू कैंसिल, आई वन कैंसिल, क्या रिजल्ट निकलेगा मेरे पास, मेरे पास निकल गया P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, ये मेरे पास व्हीट स्टोन ब्रिज का सिद्धांत कहलाता है, और इसी सिद्धांत को मेरे को यहाँ पर प्रूफ करना था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इसलिए ठीक है, P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S की वैल्यू के इक्वल आ जाता है, तो मैं क्या बोल देता हूँ, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत बोल देता हूँ, अर्थात जब मेरे पास करंट यहाँ से आता है, मैं चार प्रतिरोधों को किसी चतुर्भुज की चार संलग्न भुजाओं से शो करूँ, उनके बीच में एक धारा मापी लगा रहे, एक विकर्ण में, दूसरे में सेल और बैटरी लगी रहे, जब यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होता है तो मैंने यहाँ पर ये प्रूव कर दिया है कि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S के मान के बराबर होता है, इसको मैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता हूँ।